कल्याण के परगा शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 14 साल के दोस्त को उसी के दो दोस्तों ने बहाने से एक बिल्डिंग के बंद फ्लैट में बुलाया। उसके बाद दोनों दोस्तों ने 14 साल के उस लड़के के गले से सोने की चैन निकालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने विरोध किया तो दोनों ने गला घोटकर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हत्या के बाद उसी बंद फ्लैट के सोफे में उसका शव छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने परगा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी मित्रों अक्षय वाघमारे उम्र 24 साल और दूसरा नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। मृतक नाबालिग लड़के का नाम सोहम बजगे बताया जा रहा है। मृतक सोहम अपने परिवार के साथ कल्याण परगा मार्ग स्थित बाप गांव के जय मल्हार नगर स्थित साई राम रेजिडेंसी स्थित इमारत में रह रहा था। कल दोपहर के करीब आरोपी ने मृतक सोहम को मोर दिखाने का झांसा देकर बुलाया और जिस इलाके में वह रह रहा था वहीं की एक बिल्डिंग के बंद फ्लैट में ले गया। उसके बाद मृतक सोहम के गले से सोने की चैन चुराने की कोशिश करने लगे, जिसका विरोध सोहम करने लगा तो दोनों दोस्तों ने उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद गले से 1.5 तोले वजन की सोने की चैन निकाल ले गए और उसी जगह एक सोफे के अंदर शव को छिपा दिया। उसके बाद दोनों ने मृतक की सोने की चैन 10,000 रुपए में कल्याण के एक सोनार को गिरवी रख दी और उससे मिले पैसों से अपना कर्ज चुकाया और बचे हुए पैसों से मौज मस्ती कर रहे थे। सोहम के लापता होने की खबर उस इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था, इसलिए उसने अपने परिजन को शाम से ही उसकी तलाश करने लगे। परेशान करने वाली बात यह है कि ये आरोपी परिवार सहित उसकी तलाश भी कर रहे थे ताकि किसी को उस पर शक न हो। रात में जब एक बंद फ्लैट का दरवाजा खोला गया तो उसका शव एक सोफे में छिपा हुआ मिला। घटना की सूचना परगा पुलिस को मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सोहम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवंडी के इंदिरा गांधी उप जिला अस्पताल भेज दिया गया और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सोहम के दो दोस्तों को उस समय रिश्तेदारों द्वारा दी गई जानकारी और संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सोहम की हत्या के 3 से 4 दिन पहले भी आरोपियों ने गले से सोने की चैन लॉकेट बेचकर मौज मस्ती की थी। सिर्फ मौज मस्ती के लिए एक नाबालिग दोस्त की हत्या से इलाके के लोग आक्रोशित है। वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। बाबगांव एरिया में साईराम सोसाइटी है, रेसिडेंसी सोसाइटी। उस सोसाइटी में रहने वाले ये जो 15 साल का विक्टिम है सोहम बजागे, ये अपने दोस्तों के साथ दोपहर 4 बजे के बाद एक साथ खेल रहे थे। ये सोहम के गले में 1.5 तोले की सोने की चेन थी। वो सोने की चेन के लिए दो उसके दोस्तों ने एक रूम में ले जाके उसकी हत्या की गई है। उसके गले में भी दूरी डाल के दूरी से इसका गला दबा के उसकी हत्या की गई है। उसमें ये तहकीकात के बाद दो आरोपी को अरेस्ट किया है, उसमें से एक माइनर है उसको अपने कब्जे में लिया है और जो बड़ा है अक्षय वाघमारे उसको अरेस्ट किया है। दोनों को कोर्ट में भेजा है। जिस तरह से देखा जाए कि इनका रीजन क्या था सोने की चैन, उसका कुछ अलग रीजन है उसके पीछे, उसकी तहकीकात अभी चालू है, लेकिन प्रथम दर्शन ये लग रहा है कि ये गले में जो 1.5 तोले की चेन है, 1.5 तोले की चेन की वजह से उन्होंने उसकी हत्या की है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।